स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस वन मैथ्स यूनिट टू एक्सरसाइज 2.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो लिख लिया हमने पहले। ए के सेट्स हैं, सेट्स में एलिमेंट है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें क्वेश्चन निकालना है ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ेगी। इसमें ए मल्टीप्लाई बी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी प्रूव करेंगे। हमारे बी के जो एलिमेंट्स हैं और सी के, उनमें चेक करेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 5 आएगा। चेक करते हैं 1, 2, 3, 4 है, 5, 6 है, तो बी और सी में कुछ नहीं आया। तो ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, मतलब हुआ कि ए को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। जैसे ए को मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 आता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, यही लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो ए मल्टीप्लाई ए के एलिमेंट 5 करेंगे और बी के मल्टीप्लाई 1, 1, दूसरा आ गया 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4। 1 के साथ जितने आए थे वो लिख दिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 अप टू, तो 2, 1, फिर 2, 2, फिर आ जाएगा 2, 3, फिर 2, 4। ये एक एलिमेंट ए मल्टीप्लाई सी राइट करेंगे, तो ए के तो सी से, तो ए आ जाएगा 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5, देन अगेन आएगा 2, 6। हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट लेना, तो कॉमन आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। चेक करें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 5। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या था, बराबर था और वो प्रूफ हो गया। और अभी सेकंड जो पार्ट करना है इसका, हमने जो मल्टीप्लस थे वो सारे के सारे लिख लिए, ए के ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई सी। हमें चेक करना है कि अब कि ए मल्टीप्लाई सी इज अ सबसेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बी, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो सबसेट है कि नहीं है, आते हैं कि नहीं आते। तो 1, 5 आ रहा है, 1, 6 आ रहा है, 2, 5, 2, 5, 11, 2, 6 भी आ रहा है। तो यस हो गया इसका आंसर कि जो ये ए मल्टीप्लाई सी है ये सबसेट है डी का। देयरफॉर ये निकलेंगे दोबारा से, ए मल्टीप्लाई सी इज अ सबसेट ऑफ बी मल्टीप्लाई। और आज जो 7th क्वेश्चन है इसी के साथ यही पे ओवर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 8 रहता है हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ए के जो एलिमेंट्स दिए हैं हमारे पास वो है 1, 2 और बी के एलिमेंट दिए हैं 3, 4। उसके बाद लिखा है राइट ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी हाउ मेनी सबसेट्स, तो कितने सबसेट्स बनेंगे ए मल्टीप्लाई बी के, वो लिस्ट निकाल दिए हमने। तो हमारे पास ऐसे तो अप्रोक्सीमेट ए और बी के जो अगर मल्टीपल्स लिखे तो रहता क्या है हमारे पास 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4। यहां तो सिर्फ 4 ही जो सेट बने, तो हमें लिस्ट बनानी है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके टाइम्स में, तो टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to 4 कर जाएगा। एल सी ये हमने प्रॉपर्टी से लिखा एन 2 raised to 5, ये वाली प्रॉपर्टी है, तो हम ये इसके ऊपर लगाएंगे कितने एलिमेंट्स आ गए
टू रेस्ट पावर फोर, तो ए मल्टीप्लाई बी दैट इज टू रेस्ट पावर फोर 16 आंसर, ये आंसर आ गया 16, हमारे पास आंसर आया इसका 16। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, 9 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 में भी लिखा है इफ ए एंड बी टू सेट सच दैट, दो सेट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके लिए रहता है एन ए 3 और एन बी आ गया 2, इफ एक्स वन ये एन एन और वाई टू और जेड वन आर इन ए मल्टीप्लाई, तो ये किसके थे ए मल्टीप्लाई, उल्टा लिख लिया ठीक, ए मल्टीप्लाई बी के हैं, तो हमें ये फाइंड करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट रहेंगे ए के वो लिखेंगे, सेकंड रहेंगे वो ए लिखेंगे, हमें क्लियर में दिख रहा है अगर इसमें 3 आते हैं इसमें 2, तो एक में 3 आएंगे एक में 2 आएंगे, अगर 3 और 2 आते हैं तो हम ए की जो वैल्यू है वो रहेगी क्या एक्स वाई जेड और जो बी की रहेगी वो रहेगा 1 और 2, बी क्या रहेगी 1 2, तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है वो भी एलिमेंट्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, दोबारा से उसमें 9 एलिमेंट्स हैं अलोंग विद द फॉर्म ऑफ -10 -10 और 0 1 0 1, हमें फाइंड आउट करना है इसके सेट्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हम राइट करते लेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि पहली बार जो ए है वो क्या रहेगा एन ए और बी क्या रहेगा और लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो 9 multiples 9 आया वो कहां से आया, अगर मैं इसको P मान लू इसको Q मान लू तो N A मल्टीप्लाई बी पी क्यू आ गया, अब ये तो P Q आया ये A मल्टीप्लाई बी का था बट हमारे पास अब दोनों ही जो नाम दिए हो A A दिए एन A एन, तो क्या है ए मल्टीप्लाई ए दैट इज 9 और वो भी क्या होगा पी क्यू तो 9 के बराबर हो जाएगा, अब 9 कैसे आया तो एक बार जब हम एलिमेंट को किससे 3 से पी को मल्टीप्लाई, जैसे मैंने मान लिया कि एन ए की वैल्यू 3 है दूसरे एन ए की भी क्या है 3, तो 3 3 9 हुआ था, तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट होंगे ए के वो होंगे क्या 1 0 -1, तो हमें इस एलिमेंट की अब दोबारा से मल्टीप्लाई करके बनाना है ए मल्टीप्लाई ए, इसके एलिमेंट आप खुद राइट करेंगे और आंसर आ जाएगा, इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स 9 बनेंगे, जैसे -1 1 वैसे 1 1 0 -1 0 0 ऐसे करते बनेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होगी, थैंक यू।